हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएम चैनल स्टोरी को और मैं हूँ संजय मनावर। हम आज बात करेंगे, अधिकांशतः लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद भी। तो एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए थे, एक शिष्य उनके पास आकर बोलता है कि स्वामी जी, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और दिन भर लगा रहता हूँ अपने कार्य में, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। और मेरे साथ के मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और बहुत कुछ सफल हो गए हैं। स्वामी जी कहते, चलो ठीक है, तुम्हारे सवाल का हम जवाब देंगे, इसके पहले जो हमारा कुत्ता है इसको ले जाओ, कहीं टहला कर घुमा फिरा कर लाओ। वह शिष्य जो था उस कुत्ते को लेकर घुमाने फिराने निकल जाता है। काफ़ी दूर घुमा फिरा कर आने के बाद में स्वामी जी को कुत्ता उनका वापस कर देता है और बैठ जाता है कि अब मेरे सवाल का जवाब निश्चित मुझे मिल जाएगा। स्वामी जी से पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब क्या है, मुझे बताएं। तुम अब लौट के आए हो तो तुम में इतनी थकान नहीं दिख रही है, और कुत्ता इतना थका हुआ क्यों दिख रहा है, इसका क्या कारण है, ये बताओ मुझे। शिष्य स्वामी जी को बताता है कि स्वामी जी, जब मैं एक निश्चित रास्ते पर इसको टहलाने के लिए निकला था तो मैं तो सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन ये बीच बीच में कहीं इधर उधर निकल जाता था, कहीं इस तरफ निकल गया, कहीं वस्तुओं को छू कर सूंघ कर वापस मेरे साथ आया और मेरे साथ चलने लगा। थोड़ी दूर के बाद कहीं फिर इस तरफ निकल गया, कहीं दूर घूम के फिर के फिर मेरे पास आया और मेरे साथ चलने लगा। इसलिए इसने मुझसे ज़्यादा दूरी तय की और ये मुझसे ज़्यादा थक गया है। स्वामी जी कहते, ठीक है, इसी वाक्य में तुम्हारा जवाब छुपा हुआ है। तुम भी अपने कार्य क्षेत्र में अपनी दूरी निश्चित रास्ते पर तय नहीं करते हो, कभी किसी की बात में आकर उसके जैसा करने लगते हो, कभी फिर किसी की बात में आकर उसके जैसा करने लगते हो। तुम अपने आप में जो गुण छुपे हुए हैं, जो क्वालिटी तुम में है, वो करने का प्रयास करने के बजाय तुम दूसरे को कॉपी करना ज़्यादा बेहतर समझते हो। हर व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग अलग है, हर व्यक्ति के कार्य करने के जो प्रयास रहते हैं वो अलग रहते हैं। अधिकांशतः ये लोग यही करते हैं कि मैं उसके जैसा करने लगूँ। अपने आप में जो खूबी है उसको निहारो, उसको तराशो और उसी को करने का प्रयास करो, ताकि कल से कोई आपकी कॉपी करे, आप किसी की कॉपी नहीं। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए कंटेंट के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।